How to verify Turnip app for live streaming? Guys, अगर आप Turnip app से live stream करना चाहते हो वो भी zero subscriber से, लेकिन आपको problem आती है कि verify कैसे करें, आपको verify मांगता है लेकिन आप verify कर नहीं पाते हो, YouTube पे आते हो, काफी सारी videos देखते हो but फिर भी आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए guys मैं video बना रहा हूँ ताकि आपको मैं detail से समझा सकूँ। Guys, अगर आपने पूरी video देख ली ना तो मैं सच्ची कह रहा हूँ आप भी Turnip app से live stream कर पाओगे वो भी zero subscriber से। So guys, आपको अपना Play Store open कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है Turnip app, ठीक है, Turnip भी लिख दूंगा काफी रहेगा। सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा Turnip, आपको उसको अनइंस्टॉल कर लेना है, ठीक है गाइस। जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे एंड ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सीधा आपसे ये नंबर मांगता है, अपना यहाँ पे नंबर दे देना, ठीक है, आपको मांगेगा नंबर। नंबर डालने के बाद आपका OTP आएगा, वो डाल देना, जब वो हो जाएगा कंटिन्यू करना, फिर आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूल पूछेगा, वो कुछ भी डाल दो आप, ठीक है, आपका स्कूल भी नहीं है ना, मत कुछ भी डाल दो यहाँ पे ना, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना एंड गाइस, उसके बाद आपको ऐसा शो करेगा, ठीक है, आपको ना यहाँ पे सेटअप पे टच करना है, सेटअप स्टीम पे आप टैप करना, टैप करते ही ना प्रोसेस लेगा, उसके बाद ऐसे खुल जाएगा आपको, जैसे मेरा दिख रहा है ना आपको ऐसे खुल जाएगा, मोर गेम्स लिखा आ रहा होगा, मोर गेम्स पे आपको टैप करना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, एरो पे आप टैप करना। जैसे एरो पे टैप करोगे आपको किस पे लाइव स्ट्रीम करनी है, पबजी पे, ठीक है, जो बहुत सारे गेम्स होंगे आपने जो भी जिस पे भी करना चाहते हो लाइव स्ट्रीम। अब देखो मैं तो फ्री फायर खेलता हूँ तो फ्री फायर का करना मेरे को, तो यहाँ पे गाइस मैं फ्री फायर पे टैप कर लूँगा एंड फ्री फायर मैक्स। और गाइस अगर आपको जिस पे भी लाइव स्ट्रीम करनी है वो गेम आपके फोन में डाउनलोड होना चाहिए तभी आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। सो गाइस उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट करते ही देखो सबसे ऊपर आपको टाइटल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो जिस पे आप लाइव स्ट्रीम कर दो। देन उसके बाद नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो डालना डाल दो, नहीं डालना कोई बात नहीं, वैसे रहने दो। नीचे की साइड आपको थंबनेल है, थंबनेल पे आप उधर फोटो पे टच करोगे ना, फोटो पे टच करने के बाद आप कोई सा भी थंबनेल लगा सकते हो अगर आपके पास पहले से थंबनेल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही सेम रहने देना है। अब उसके बाद आपको सबसे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, दबाना है। सबसे ऊपर यहाँ पे देखो गाइस डाटा आ रहा होगा, वहाँ पे जो दिख रहा है ना 480 मतलब 480 तो 480 आपको दिख रहा होगा, वहाँ टैप करना। अगर आप डाटा पे कर रहे हो तो आपको 480p पे करना है या 360 पे करना ताकि आपका फ़ोन लैग ना हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह वाईफाई पे खेलते हो तो आप 1080p कर सकते हो, मतलब ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट, ये आपको छेड़ना नहीं है, नीचे के साइड स्टीम मोड ये भी आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। सबसे नीचे आना यूट्यूब, आपको यूट्यूब दिख रहा होगा, वहाँ पे साइड में आपको वो एरो भी दिख रहा होगा जो कि एक बटन टाइप आ रहा है, वहाँ पे आपको टच करना है एंड वहाँ पे जैसे आप टच करोगे आपको ना यहाँ पे ऐड का अनदर अकाउंट का आपको ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे टच करने के बाद ना आपको जिस पे भी लाइव करना है, ठीक है, जिस पे भी आपको लाइव करना है उसको आप चॉइस कर लेना। चॉइस करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ऐसे आप कंटिन्यू कर देना और ऐसे करके आपका वो मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखो डिट्टो गेमर 007 जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जीरो सब्सक्राइबर मेरे, मतलब एक भी सब्सक्राइबर नहीं है इस पे, मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं टैप कर दूंगा, वो अब वो ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा कि वो ऐड हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ ना, यहाँ पे सब आएगा, अलाउ दे देना आप, ठीक है, अलाउ दे देना जितना भी आपको मांगेगा, ठीक है, अलाउ देने के बाद इन गाइस इसके बाद आपको इस तरह से कुछ शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे माइक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैमरा का, यहाँ पे टच मत करना कैमरे पे, इसको नहीं छेड़ना आपको। राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे वो आ रहा है ना, वहाँ पे आपको टच करना, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करोगे ना आप तो ये आएगा डिस्प्ले ओवर दी ऐप, अब इस तरह से आपको भी आएगा, तो आपको ना ढूंढना है Turnip को। Turnip को ढूंढने के बाद आपको उसको अलाउ कर देना, देखो नॉट अलाउ है ना, तो यहाँ पे अलाउ कर देना। उसके बाद आपको बैक कर देना, ऊपर एरो की साइड बैक करके एक और बार बैक कर देना, फिर आप वापस से वहीं पे आ जाओगे। फिर उसके बाद आपको वापस से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ का आपको लिखा आ जाएगा। और जैसे आप स्टार्ट नाउ करोगे तो यहाँ पर आपको ये लिखा था, चैनल नॉट इनेबल्ड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, हाउ टू वेरीफाई। अब यहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारे जनों को, जिसका जीरो सब्सक्राइबर होता है, 50 या 100 जितना भी सब्सक्राइबर होता है, क्योंकि उसने अपने Turnip ऐप को वेरीफाई किया ही नहीं होता है, इसलिए वो कर नहीं पाता है, ठीक है, स्ट्रीम कर नहीं पाता है। सो अब आपको करना क्या है, ठीक है, वेरीफाई करना कैसे है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आप वेरीफाई करके जीरो सब्सक्राइबर पे भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलो आ जाओ फटाफट क्रोम में, आपको अपना क्रोम ओपन करना, वो वैसे ही रहने देना, आपको क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्रोम ओपन करोगे यहाँ पर लिखना आपको यूट्यूब डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब डैशबोर्ड लिखोगे ना तो सर्च कर देना, अब देखो यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो आ रहा है, ठीक है, YouTube स्टूडियो पर टैप करना, फिर गेट दी ऐप। अगर आपका ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, वरना तो ऊपर ही साइड आप अगर डाउनलोड है तो कंटिन्यू करना। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट दी ऐप पे मैं आया और यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मेरे को करना पड़ रहा है इसलिए, क्योंकि वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसलिए आपको पहले सबसे पहले ये YouTube स्टूडियो ऐप को डाउनलोड करना है, फिर नीचे की साइड आपको ना कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस कंटिन्यू को करना है एंड उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपको इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है गाइस।
एंड गाइज यहीं पे देखो आप ध्यान से समझो, यहीं पे आपको जो भी है ना यहाँ पे अच्छे से समझना। वो देखो आपको राइट हैंड साइड पे लोगों के नीचे जस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक स्ट्रीम का ऑप्शन, वहाँ पे आपको टच करके ना यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्ट्रीमिंग, यहाँ पे ना रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। अब यहाँ पे जैसे ही आप टैप कर दोगे ना, और आपको यहाँ पे टैप कर देना ठीक है, एंड जैसे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी ना, तो अभी रुको जरा यहाँ पे देखो ऑप्शन इसके बाद आपको ये आएगा, मतलब वेरीफाई आपको अपना नंबर अभी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स मी दे वेरिफिकेशन को टैक्स वाला करना ठीक है, कॉल वाला नहीं। फिर सिलेक्ट कर लेना कंट्री इंडिया को, फिर अपना यहाँ पे नंबर डाल देना, जो भी आपका नंबर होगा ना यहाँ पे गाइज अपना नंबर डाल देना ठीक है। नंबर डालने के बाद गाइज जैसे आप नंबर डालोगे ना यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा ठीक है, OTP आ जाएगा। OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, 6 डिजिट का आएगा ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 6 डिजिट का OTP डाल दोगे, आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरीफाइड, यानी अब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी आपको लिखा आ जाएगा ठीक है, वेरीफाइड हो गया यानी कि ठीक है। अब देख लो यहाँ पे लोगो देख लो आपका, जब जिसमें करोगे ना आप जब जाओगे क्रोम में, तो आपका लोगो एक बार आप चेक कर लेना कि उसी लोगो में कर रहे हो ना जिस पर लास्ट टाइम करने वाले 0 सब्सक्राइबर, एंड उसके बाद आपको बैक आ जाना, वापस आपको एक बार और ट्राई करना है, स्टार्ट पर टैप करना। जैसे आप स्टार्ट पर टैप करोगे गाइज एंड यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे लिखेगा चैनल नॉट इनेबल फॉर लाइव स्ट्रीम, फिर से आपको ये प्रॉब्लम आती है। अब आप सोचते हो भाई यार मैंने तो सब कुछ कर दिया तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो गाइज यहाँ पे ना कम से कम 24 घंटे का टाइम मांगता है, मतलब कि गाइज अब आपको अगले दिन ट्राई करना है इसी वक्त ठीक है, मतलब अगले दिन करना, आपका अगले दिन पक्का जरूर आपका लाइव स्ट्रीम होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो, अब मैं अगले दिन कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, ये याद रखना भाई, आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, पूरा एक दिन मुझे रुकना पड़ा, अगले दिन मैं फिर इसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ इस वाले ही 0 सब्सक्राइबर पे। इंडिया पे देखो गाइज, जब मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता हूँ, आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुआ, जब आप स्टार्ट कर दोगे आपको ऐसा आइकन आएगा। अब आपका पूरा गेम ओपन होने दो ठीक है, जैसे आपका जब पूरा गेम हो जाता है ओपन, अभी आपका स्ट्रीम स्टार्ट नहीं है, वहाँ पर जो दिख रहा है ना वो प्ले बटन आपको दिख रहा होगा टर्निप पे, अभी वो स्टार्ट नहीं है। तो आपका जैसे गेम प्ले ओपन हो गया, जैसे मेरा ओपन हो गया है, एंड जब आप तैयार हो बोलने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सब चीज़ बेस्ट है, अब आपको स्टार्ट कर देना। जैसे आपको लाइव दिखेगा ना, वो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का लाइव लिखा आ रहा है, यानी कि अब आप लाइव हो गए हो अपने स्ट्रीम पे ठीक है गाइस। एंड आप जो भी आप बोलोगे वो आप सभी बंदों को सुनाई देगा लाइव स्ट्रीम पे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आगे जाके कि लाइव स्ट्रीम कहाँ शो हो रही है ठीक है, मतलब आप कहोगे यार लाइव स्ट्रीम गोविंद भाई दिखा दो, तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया डिट्टो गेमर 007, एंड यहाँ पे देखो गाइस ये आ गया चैनल ठीक है डोब वाला, एंड यहाँ पे मैं देखो टच करके दिखा देता हूँ, देखो मैं लाइव हूँ, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा मैं लाइव, मतलब अभी के टाइम पे देखो यहाँ पे दिख गया ना आपको मैं लाइव हूँ। एंड अभी आपको मैं अंदर भी दिखा देता हूँ, खुल जा भाई, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। देखो गाइज मैं ही हूँ, देखो लाइव स्ट्रीम पे गाइज मैं ही हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो, और अब अभी फिलहाल मैं अपना आपको ही देख रहा हूँ, एक की वॉचिंग चल रही है। तो इस तरह से आप भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, बस एक बात का ध्यान रखना, जिस टाइम आपने वेरीफाइड किया है नंबर डाल के OTP डाल के, आपको नेक्स्ट दिन लाइव स्ट्रीम करनी है, उसी दिन आप नहीं कर पाओगे, जिस टाइम वेरीफाई करते हैं तो 24 घंटा मांगता है, 24 घंटे बाद ही आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। आई होप आपको इतना बातें समझ में आ गई होगी मेरी। अब बात कर लेते हैं टर्निप ऐप के जो अंदर के जो सिस्टम होते हैं उनके बारे में ठीक है। सो गाइज फर्स्ट पे आपका आता है यहाँ पे देखो माइक पे, जैसे आप टच करोगे ना, इसका जो इंटरनल ऑडियो उसको कम रखना है, जैसे कि इंटरनल ऑडियो होता है ना, तो जो दोस्त का आवाज़ होता है, गेम का साउंड होता है, वो कम रहे। एंड बात करते हैं माइक्रो की, यानी कि जो आप बोल रहे हो उसका आवाज़, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो यानी कि अब आपका जो आवाज़ है वो जाएगा, मतलब वैसे तो ऑन ही रहता है ठीक है, ऊपर की साइड माइक्रो ना ऑन ही रहता है, आपका आवाज़ जाएगा। और ये जो इंटरनल जो मैं से हिला रहा हूँ, ये होता है इंटरनल, इसको आप कम ही रखना है, मतलब बीच में रखना ठीक है। एंड गाइस जो आपको ऊपर की साइड जो मैंने माइक्रो बताया था, अगर आप उसको ऑफ कर दोगे ना, तो आपका फिर आवाज़ नहीं जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब आपका टीममेट का ही आवाज़ आएगा। अगर वो ऊपर वाला ऑन है, वो जो डॉट है, तो फिर आपका भी आवाज़ आएगा, दोस्त का भी। अब बात करते हैं कैमरे की, कैमरे पर आप गलती से भी टच मत ना करना, वरना आपका फेस दिखने लगेगा ठीक है, कैमरे को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है ठीक है, कैमरे का ध्यान। अब बात करते हैं शील्ड, ये शील्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अगर आप इसे ऑन कर दे हो ना, तो अगर आपको कोई कॉल करता है या मैसेज करता है ठीक है, आपका व्हाट्सअप देखना हो कुछ भी, आप जाके वो काम कर सकते हो, मतलब आपकी स्ट्रीम ना प्राइवेट हो जाएगी, आप पे ना एक बैनर आ जाएगा स्ट्रीम प्राइवेट का, मतलब अब आपको कोई देख नहीं पाएगा, आपकी आवाज़ सुन पाएगा ठीक है। अगर आपको आवाज़ भी नहीं सुनानी, तो वहाँ पे आप माइक्रो ऑफ कर देना, आपकी आवाज़ भी नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पे इसके बाद ये जो है, ये आपका बिटरेट, अगर आपका स्ट्रीम कभी लैग होता है या बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो आपको ये बिटरेट कम कर लेना ठीक है, जैसे कम करोगे आपका ठीक हो जाएगा। फिर आता है आपके यहाँ पे देखो क्या कहते हैं आपका रिकनेक्ट ठीक है स्ट्रीम, अगर आपकी स्ट्रीम रुक रही है, 99 हो रही है, पिंग हो रहा है, तो आप रिकनेक्ट मारो, आपकी स्ट्रीम ठीक हो जाएगी ठीक है। एंड गाइज उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाल कलर का ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको टैप करते हो, अगर आपको स्ट्रीम एंड करनी है, उसके लिए बटन है
ठीक है, डू यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग? नहीं, मैं नहीं करना चाहता, बट अगर आप करना चाहते हो, एक घंटा आपको हो गया और आप स्ट्रीम बंद करना चाहते हो तो वहाँ पर टैप करो। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे लाइव जितने भी बंदे अगर आपको लाइव दिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको लाइव दिखा देगा और टोटल व्यूज़ कितना वो। एंड ये रहा मैसेज का, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, टाइप अ मैसेज। अगर आपको, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैसेज कर दो, उस बंदे को दिखाई देगा एंड वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं या आप उसको रिप्लाई कर सकते हो मैसेज के जरिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना ही होता है स्ट्रीम के अंदर, टर्निंग पैप के अंदर। ठीक है, सो गाइज मैंने सारा चीज़ आपको डिटेल में वीडियो में बता दिया है एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट रह गया तो मुझे कॉमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।